एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर इंग्लिश क्लास। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे, और ये जितने भी सेशंस अभी तक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहे होंगे। और ऐसा ही एक सेशन दोबारा से मैं आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं बताने वाली हूँ ऐसे 5 आपको शब्द, और ये बहुत ही कॉमन शब्द हैं जो हम जाने अनजाने में अपनी लाइफ में गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। प्रोनंसिएशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, ठीक है, आप एक शब्द का एक मतलब जान लेते हो या इडियम्स एंड फ्रेजेस को रट लेते हो, बट स्टिल अगर आप उसको करेक्टली प्रोनाउंस करना नहीं जानते तो यहाँ पर फिर आप इतने अच्छे से बोल नहीं सकते कि भाई मेरे को इंग्लिश बोलनी आ गई है। क्योंकि बोलना अगर सही तरीके से नहीं बोल पा रहे तो फिर हम कैसे ही कह सकते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी आती है। तो यहाँ पर ना इंग्लिश थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज बन जाती है, क्योंकि बहुत से लेटर्स आपने देखे हैं वो साइलेंट होते हैं, कोई लेटर जो है उसके बहुत सारे अलग अलग साउंड आ रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख करके उस वर्ड को पहचान नहीं पाते कई बार कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए। बट टेंशन मत लो, आप लोग अकेले नहीं हो जो नेटिव स्पीकर्स हैं। नेटिव स्पीकर्स यानी कि जिनकी तो ये मतलब फर्स्ट लैंग्वेज है, वो लोग भी कई बार ऐसे वर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। तो हमारे लिए तो ये सेकंड लैंग्वेज है, बट डोंट यू वरी, मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ आपकी प्रोनंसिएशन को सही करने के बहुत ही आसान तरीके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सो पहला वर्ड है आप लोगों के सामने, बहुत ही कॉमन वर्ड है, वेजिटेबल। अब हम लोग ना इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में वेजिटेबल बोलते आ रहे होते हैं। अभी जो सब्जियां हैं घर पे, हम लोग इसको ना वेजिटेबल, है ना, या खाने में हम लोग खाते हैं ना मिक्स वेजिटेबल, तो वो वेजिटेबल, वेजिटेबल पिज्ज़ा, वेजिटेबल मैगी, तो हम लोग वेजिटेबल वेजिटेबल बोलते रह जाते हैं, क्योंकि हमारी नज़रें जो हैं वो जा करके अटक जाती हैं इस ई के ऊपर। ये ई की साउंड आती है तो हम वेज, फिर ये ई बोल देते हैं और टेबल बोल देते हैं। बट एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको इस ई को कर देना है स्किप। आप बोलोगे वेज और टेबल, तो यहाँ से आपकी ना फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे देखना अब आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो सही दिशा में जाने लग जाएगी और आप करेक्टली प्रोनाउंस करने लग जाओगे वर्ड्स को। सो अब से जब भी सब्जियों को देखो और जब भी आपको सब्जियों के बारे में बात करनी हो, आपको कभी भी वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल, वेजिटेबल। एक बारी मेरे साथ रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से सीख पाओगे। इट्स वेजिटेबल, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा जो सेकंड वर्ड है आज का वो है कबर्ड। अब इसको हम कप और बोर्ड ऐसा पढ़ना पसंद करते हैं, बिकॉज हमारी नज़रें, हम लोग कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं। हम जैसे ही हम लोगों ने जो चीज़ें ऑलरेडी देख रखी है ना, हमारी नज़रें उसको सबसे जल्दी पहचान लेती हैं। और यहाँ पर 2 वर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, कप, जिसको हम पहले अपनी लाइफ में जानते हैं, जिसको हमने देख रखा है, हम इस वर्ड से फेमिलियर हैं, और दूसरा वर्ड हमें नज़र आ रहा है बोर्ड। तो हम लोग ना इन 2 वर्ड्स को अलग अलग जल्दी से हमारी नज़रें पहचान लेती है और हम इसको वी टेंड टू प्रोनाउंस इट जैसा वो लिखा हुआ है कि कप और बोर्ड, बट इट इज़ नॉट कपबोर्ड या कपबर्ड। इसमें प की साउंड आती ही नहीं है। यहाँ पर आप बोलोगे क बर्ड, कबर्ड। क्या बोलेंगे हम, क और बर्ड। आप लोगों को पी की साउंड तो निकालनी ही नहीं है। क बर्ड, कबर्ड। आया समझ में? एक बारी मेरे साथ सभी लोग रिपीट करेंगे, कबर्ड, ना कि कपबोर्ड या कपबर्ड। प की साउंड तो आनी नहीं चाहिए। आपके वर्ड्स को, आपके लिप्स को टच ही नहीं करना है। कबर्ड, ब पे जाकर के टच करेंगे, क की साउंड ऐसे ही निकलेगी, क बर्ड, ठीक है। सो ये है आपका सेकेंड वर्ड आज के लिए, जो अब आप कोशिश करेंगे इसे करेक्ट प्रोनाउंस करने की पूरे दिन भर में, और धीरे धीरे अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड था हमारा वेजिटेबल, सेकेंड वर्ड है कबर्ड। थर्ड वर्ड जो हमारे सामने आता है, ये तो मतलब हर घर में आपको मिल जाएगा। सूजी के हलवे की बात हो रही हो, किसी और मिठाई की बात हो रही हो, या फिर मम्मी सुबह सुबह इसको भीगे हुए हमारे ऐसे पॉकेट में डाल दिया करती थी, है ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी याद रखने की शक्ति और हमारा दिमाग तेज़ होता है। हिंदी में बोलते हैं बादाम, लेकिन कच्चा बादाम, लेकिन इसे इंग्लिश में बोला जाता है आमंड। अब इसको हम गलत प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आलमंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी नज़रों को देखा, मैंने बताया ना, जैसे कि हम लोग की आदत है, हम फेमिलियर चीज़ों को जल्दी पहचान लेते हैं जो हमने पहले देख रखी हैं। सो हम लोग ना ये एल को वी टेंड टू से इट आउट लाउड, हम लोग एल को प्रोनाउंस करते हैं, जबकि हमें इसे स्किप करना है। इट इज़ आमंड, आमंड, है ना। एल की साउंड आप स्किप कर जाओ, ऐसे जैसे कि है ही नहीं वो वहाँ पर, ऐसे इग्नोर करना है एकदम ही, ठीक है। सो इट्स आमंड, ठीक है, आमंड। आया समझ में? आमंड, आमंड्स। सो आप इसे कभी भी आलमंड नहीं बोलेंगे, है ना, आमंड्स। सो ऐसे बादाम मिल्क होता है, आमंड शेक, ठीक है, आमंड ऑयल। तो आप इस तरीके से इसे प्रोनाउंस करना सीखें। इट्स नेवर आलमंड, इट इज़ आमंड। क्लियर? चलो, और हमारा इसी के साथ फोर्थ वर्ड जो आता है, ये बहुत ही मतलब ऐसा शब्द है जो तुम लोगों ने अपनी लाइफ लॉन्ग बहुत जगहों पे देखा होगा। जब भी टीचर बोलते हो कि खड़े होकर के चलो जल्दी से क्लास में रीडिंग करो, तो आप लोग इस वर्ड से आकर के इस वर्ड पे रुक जाते होगे। बहुत से बच्चे जब हम छोटे थे तो उसे ETC बोलते थे, बिकॉज इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो इस तरीके से होती है, तो हम इसे या तो ETC बोलने लग जाते हैं या फिर हम इसे एक्सेट्रा बोलते हैं, एक्सेट्रा। बट ये एक्सेट्रा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर EX या फिर CETERA ये नहीं आता है, इट इज एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आपको यहाँ पे E और T, एट बोलना है। इसको कैसे बोलेंगे? एट, उसके बाद हम बोलेंगे सेटरा, एटसेट्रा। इट्स नेवर एक्सेट्रा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, T को स्किप कर देते हैं और X बोल देते हैं और फिर सेटरा बोल देते हैं। सेटरा, सेटरा भी नहीं होगा, सेटरा, और X नहीं, एट, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। सो ये होता है एटसेट्रा, ना कि एक्सेट्रा जिसको हम ETC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ वर्ड। और इसी के साथ हमारा जो फिफ्थ वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसको हम बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को या बहुत से लोगों को, ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक गलतियां लिमिटेड नहीं है, बहुत से लोग जो हैं इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। हम लोग इसे बोलते हैं क्लॉथ्स। ये क्लॉथ्स नहीं होता है, क्लोथ्स। और यहाँ पर ना ओ के ऊपर जो है हम लोग ज़्यादा एम्फोसिस नहीं डालते। क्लोथ्स नहीं होता है, क्लोथ्स। आपको यहाँ पर एक्चुअल में ध्यान रखना है इस साउंड का, और आपको इस साउंड का ध्यान रखना है। ये एक ज़ वाली साउंड आती है इसकी, क्लोथ्स, ऐसे बोलेंगे हम। अगर एक अकेला क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ, वो कहलाता है क्लॉथ। आप उसमें ओ के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस डालते हो, टेबल क्लॉथ। ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कपड़े की बात हो रही है, यहाँ पर हम हमारे सभी कपड़ों की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये कभी भी क्लॉथ्स नहीं होता है, इट इज क्लोथ्स, क ल, और आपको उसके बाद ओज करके बोलना है। तो यहाँ पर ना आपको एक प्रेशर फील होगा, और लास्ट में आपके मुंह से ऐसे करके एक बी जो साउंड होती है ना, ये वाली साउंड आएगी। सो इट इज क्लॉथ्स, ना कि क्लोथ्स, या फिर ओ के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस, क्लॉथ्स। ठीक है, क्लोथ्स। सो इस तरीके से आपको इसे बोलना है। सो ये हैं आपके आज के 5 वर्ड्स। इट्स नॉट वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल। इट्स नॉट कबर्ड, इट्स कबर्ड। इट्स नॉट आलमंड, इट्स आमंड। एक्सेट्रा नहीं, एटसेट्रा। और क्लोथ्स नहीं, क्लोथ्स। ठीक है, सो ये हैं आपके आज के 5 वर्ड्स। आई होप आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और इसी के साथ अपनी इंग्लिश को भी बेहतर बनाओगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। पर याद रखना, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जो आप आज तक गलत बोलते आ रहे थे, लेकिन आपको रिसेंट ही टाइम में पता चला कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, है ना। और इसके ऊपर हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे, मे बी इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।